वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री को परोसे गए पराठे में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर IRCTC ने सख्ती दिखाई और खाना परोसने वाले लाइसेंसी सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई की। रेलवे का कहना है कि इस तरह के मामले में जीरो टॉलरेंस के साथ एक्शन लिया जाता है। दरअसल ये मामला 24 जुलाई का बताया जा रहा है। सुबोध नाम के यात्री ने बताया कि वो 24 जुलाई को रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार था। वो भोपाल से ग्वालियर तक जा रहा था। जब उसने खाने का ऑर्डर दिया था, उसे जो पराठे परोसे गए और उन पराठों में कॉकरोच पाया गया, जिसके बाद उसने रेल मंत्री और रेल विभाग को फोटो ट्वीट कर मामले की शिकायत की। वहीं आपको बता दें कि सुबोध के साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों के खाने में भी गड़बड़ी मिली। सुबोध और अन्य यात्रियों की शिकायत के बाद IRCTC एक्शन में आया और ट्वीट का जवाब दिया। IRCTC ने पहले तो इस असुविधा के लिए माफी मांगी, फिर यात्रियों को बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया है। संबंधित सेवा प्रदाता को भोजन तैयार करते समय उचित सावधानी बरतने की सख्ती चेतावनी दी है। संबंधित सेवा प्रदाता को भोजन तैयार करते समय उचित सावधानी बरतने की सख्त चेतावनी दी है। सेवा प्रदाता पर भारी जुर्माना लाया गया है और रसोई पर बेहतर ठीक ढंग से निगरानी की हिदायत दी गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।